एक्नी में मैंने जो मेल एक्नी की हमने बात की थी कि हमने बरसों काम कर करके हम एंथ्रेक्सिनम पे पहुंचे थे, और अल्लाह जन्नत नसीब करे जोर साहब ने मुझे बताया था, और फिर जोर साहब कहते हैं कि नूर मोहम्मद भी इसको देता था। तो एंथ्रेक्सिनम मेल एंड फीमेल दोनों में आप पहले अप्लाई कर दें, उसके बाद ग्रेफाइट है। इसका मेरा एक पूरा लेक्चर है इस पे, एक्नी पे। एक्नी बेसिक जो हमारा जो मसान है इसके नीचे पूरा एक इसके रूट है, और इसके बल्ब है, और वहां से एक सिक्रीशन होती है, जो सिक्रीशन यहाँ ब्लॉक हो जाती है। जब जहां ब्लॉक होती है वहां एक्नी पैदा होता है। इसका पूरा मसान के नीचे पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, और वो मेरा लेक्चर है पल्सटीला पे, उसमें मैंने पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है एक्नी बनता कैसे। मेरे साथ कर्नल नैयर ने किया हुआ वो लेक्चर। तो वो जब जो लुब्रिकेंट होता है इस पूरे रूट को, इस पूरे चैन को, ये जहां से आपका स्वेट बाहर आता है, पसीना बाहर आता है, ये सारे पूरी बॉडी पे मसाम है, ये नीचे पूरा एक मैकेनिज्म है, और इस पूरे सुराख को, इस लाइन को, इस डक्ट को लुब्रिकेट रखने के लिए एक नीचे चैनल बना हुआ है। और वो जब ये बंद हो जाती है तो वहां पिंपल डेवलप हो जाता है, ये इसका मैकेनिज्म है। और उस पे मैंने पल्सटीला जो होती है ना वो इस सप्रेशन को दूर करती है। तो आप एंथ्रेक्सिनम ग्रेफाइट लगा के पल्सटीला लगाएंगे तो क्या करेगा, वो जो मैग्नेटिक है वो उसको रोक देगा, एंथ्रेक्सिनम रोक देगी, और ग्रेफाइट उसको क्लियरेंस क्लियरेंस करेगी, और पल्सटीला भी उसको क्लियर, तो पिंपल ठीक हो जाता है। इसके बाद अगर आप बर्बर सकोफोलियम का आपने बहुत नाम सुना होगा, लेकिन बर्बर सकोफोलियम नहीं काम करती। जब ये करके आप काम करेंगे तो वो काम करेगी आपको, फिर ये काम करके आपको ग्रेफाइट काम करेगी, ये काम करके आपके पास काली ब्रोम काम करेगी, ये काम करके आपके पास गन पाउडर काम करेगा, तो ये काम करके आपके पास कल्केरिया सल्फ काम करेगी, और ये काम करके आपके पास काली सल्फ काम करेगी। तो जो पिंपल्स आपका इस तरह से ठीक हो जाएगा, आप दो दवाइयां तो पक्की रखें, एक एंथ्रेक्सिजन और एक ग्रेफाइट। उसके बाद आप बर्बर सेकोफोलियम लगा देते हैं, हम उसके बाद पल्सटीला लगा देते हैं, उसके बाद आप काली ब्रोम लगा देते हैं, आप गन पाउडर लगा देते हैं, तो आपका मसला हल हो जाएगा। और हमने ये केस इससे 20-20 साल, 30-30 साल पुराने एक्नी के केस हम ठीक कर लेते हैं। अब चेहरे के जो बाल आ जाते हैं, ये भी पूरा चैन है, इसमें ACTH हार्मोन इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली सारी मेल एंड फीमेल हार्मोन्स की गेन है। कैंट बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है उसने, कैंट का अगर वो खूबसूरत जुमला उसने ये लिखा हुआ है कि मर्द नमा औरत सिपिया, मर्द नमा औरत जो दे, और मर्द नमा औरत, और उसने उसने एक और लफ्ज भी लिखा है फ्लैट वोमन, फ्लैट वोमन सिपिया। सिपिया ऐसी दवाई है जो औरत को मर्द बनने से रोकती है। जो औरत मर्द नजर आती है वो सिपिया आप उसको दें तो वो औरत बन जाती है। और इस एक बात के पीछे बहुत इनफर्टिलिटी भी आती है, अर्सोटिज्म भी आता है, खावों से ना मोहब्बत करना भी आता है, बच्चों को मारना भी आता है, यूट्रस प्रोलैप्स भी आता है, यूट्रस इनलार्ज भी आता है। फर्क औरत का जो पेल्विक है यू ब्रॉट है, मर्द का पेल्विक नैरो है। तो सिपिया की औरत का पेल्विक नैरो होगा, और अगर आप 18 साल से 20 साल या ये जो 12 साल का उम्र है ये आपको नैरो पेल्विक वाली कोई बच्ची नजर आती है तो आप उसको सिपिया देंगे, उसका पेल्विक भी चेंज हो जाएगा। ब्रॉड पेल्विक नेचर ने क्यों रखा है कि उसने बच्चा बेर करना है,
मर्द का नैरो पेल्विक है, उसमें बच्चा नहीं बेर करना, समझ आई है? तो सीपिया वो दवाई है, छोड़ दें बाकी सारी दवाइयों को, मैं 50 दवाइयां और भी यहां बोल सकता हूं कि फलां भी करेगी, फलां भी करेगी, फलां करेगी, लेकिन आपने अगर मैक्सिमम रिजल्ट देना तो वो सीपिया देगी।